माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें यहाँ के नज़ारे, सुभान अल्लाह। ओए होए 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 होए, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। अभी पहुंचने वाले हैं मैदान, लेकिन ये रास्ता ही देखकर आपको आपका इंशाल्लाह मुझे पता है कि दिल चाह रहा होगा कि हम मैं इन लोगों को सलूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को। जिस तरह की इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, आप लोग भूल जाएंगे। शोंगरान भी आप गए होंगे? जी जी जी। तो मतलब उस जैसी जगह है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो ज्यादा खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट। इस तरह के कच्चे घर यहाँ पर बने होते हैं और इनकी हाइट भी कम है इन घरों की, और ये तकरीबन बस 6 फुट हाइट होगी इस घर की। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वीडियो में कि कगान वैली में भी एक दो पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी मशहूर पॉइंट हैं, एक मैदान शरीफ और सहरी जबा। तो अभी हम लोग मैदान शरीफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर अभी स्नोफॉल भी हुई हुई है और यहाँ कगान से ही उसका रास्ता भी जाता है, लेकिन वो जीप ट्रैक है और जीप पर जाना पड़ता है। जीप वाले आपसे तकरीबन 5,000 रुपया चार्ज करते हैं, वहाँ पर 1-2 घंटे आपको स्टे देते हैं। तो ये है हमारी जीप, ये देखिए द किंग्स हेरिटेज होटल एंड रेस्टोरेंट, और ये जीप भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और जो कोई मुझसे पूछते हैं कॉन्टैक्ट करने का, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा और ये वाला नंबर जो है ये आप इस पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ ये भाई भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ऊपर जाकर भी इंशाल्लाह आपसे फीडबैक लूंगा कि आपको कैसी लगी है जगह। कगान बाजार से हमने अपने सफर का आगाज कर लिया है और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से टर्न लेना है। और ये हमारे जीप वाले जो हैं तायर भाई, इनका भी मैं नंबर इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन जब भी आपने जाना हो तो आप हमारे होटल पे आ सकते हैं, ये जीप हमारी वहां पर ही अवेलेबल होती है हर टाइम। ये अभी हम लोगों ने यहाँ से बस टर्न ले लिया है और ये आप देखें कि रिवर साइड हम जा रहे हैं, दरियाए कुनार वाली साइड, वहां से होते हुए इंशाल्लाह आगे हमने निकलना है ऊपर मैदान की तरफ। अभी बाजार उस साइड पे रह चुका है और हम इस साइड आ चुके हैं। ये रोड है जी, तभी हम लोग टूरिस्ट को कहते हैं कि यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह लेकर ना आए, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है फिर भी आप अपनी गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर एक्सपर्ट ड्राइवर्स ही गाड़ी चला सकते हैं और ये जो जीप्स वाले होते हैं ये इस रोड पर चलते रहते हैं, उस वजह से इनके लिए कोई मसला वगैरह नहीं होता और ये अच्छे से गाड़ी यहाँ से चलाते हैं। और कगान बाज़ार वहाँ पर रह चुका है, उस रोड से हम आके यहाँ से टर्न लेके अभी यहाँ से आए हैं। ये आप लोग देखें कि हमारी जीप अभी आ रही है, मैं थोड़ा उतर के आगे आया हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ। रोड की कंडीशन आप देखें, इस टूर का जो मज़ा है वो इसी एडवेंचरस रोड की वजह से है।
होए, ये रास्ता आप देखें, मतलब रास्ता तो ये है ही नहीं है, इसको रास्ता नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा बस पहाड़ पे जीप चल रही है। अभी हमारे साथ जो हमारे टूरिस्ट भाई मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको रास्ता वगैरह कैसा लगा यहाँ का। थोड़ा सा जब हम ये वाली चढ़ाई चढ़ के ऊपर सीधी जगह पर जाएंगे फिर उनसे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शौकत अली है, मैं सखर सिंध से आया हूँ। अच्छा, और रात को आपने यहीं कगान वैली में स्टे किया था? जी, मैंने आज रात तकरीबन 10 बजे पहुँचे थे। अच्छा जी, हमारी फर्स्ट नाइट थी और हमारा ये फर्स्ट टूर है हमारी लाइफ का, ये हमने आपके जो रेस्टोरेंट में स्टे किया था। जी, तो अभी आपने तकरीबन मैदान का जो आधा सफर तय कर लिया है जी, तो आपको ये रास्ता कैसा लगा, क्या कहते हैं आप इस रास्ते के जी? भाई रास्ता तो इतना डेंजर है कोई हम आपको, हमारे पास लफ्ज ही नहीं है कि क्या बोले, डेंजर के बाद अगर कोई लफ्ज होता तो वो कहते, मतलब एडवेंचरस रास्ता आप कह रही हैं। बहुत हमारे जो ड्राइवर हैं, ये जो टायर भाई हैं हमारे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ड्राइवर के जो ड्राइवर हैं गाड़ी किस तरह चलाते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं या क्या? जी माशाल्लाह ये ड्राइवर बहुत ही अच्छे ड्राइवर है, अच्छी तरह से गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी गाड़ी तो यहाँ कोई भी नहीं जाती, बस ये पता नहीं कैसे उड़ा रहे हैं गाड़ी को, ये इसको इस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था, ये हेलीकॉप्टर का ड्राइवर होना चाहिए था। जी देखें, अभी और भी गाड़ियां यहां पर आई हुई थी, इनको क्रॉसिंग के लिए जगह दी है, अभी ये लोग क्रॉस कर रहे हैं हमसे और जाते हैं हम भी ऊपर इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें यहाँ के नज़ारे, सुभान अल्लाह, ओए होए 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 होए, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। अभी हम लोग टॉप पर नहीं पहुँचे और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, बारिश है। यहाँ से हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लड़के लगे हुए हैं रास्ता थोड़ा सा ठीक करने में, तो उस वजह से हमारे ताहिर भाई जो जीप के ड्राइवर हैं उन्होंने कहा कि 2-3 लोग यहाँ से उतर जाएँ और गाड़ी उन्होंने ऊपर लाई है, अभी हम लोग दोबारा गाड़ी पर बैठेंगे। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब था और अभी बस यहाँ से हम आ चुके हैं आगे। बहुत अजीब जिंदगी है इन लोगों की माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ से व्यू, टॉप से भी इंशाल्लाह आपको व्यू दिखाएंगे। बस अभी तकरीबन थोड़ा सा रास्ता रह गया है, हम पहुंचने वाले हैं मैदान, लेकिन ये रास्ता ही देखकर आपको आपका इंशाल्लाह, मुझे पता है कि दिल चाह रहा होगा कि हम भी यहां पर जाएं, तो जब भी आप कगान आए तो वहां से आप लोग मैदान शरीफ ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी तो नरान के रास्ते भी बंद हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो पॉइंट है यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। पहले भी ये पॉइंट तो था लेकिन लोग जाते नहीं थे, अनसीन पॉइंट है ये, लेकिन इस दफ़ा नरान बंद है उस वजह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, और वो कहते हैं कि जी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी, और जब आपको व्यू पर से मैं व्यू करवाऊंगा तो आप भी यही कहेंगे कि सच में ये बात सच है कि ऐसी जगह कहीं और नहीं देखी थी हमने। ये अभी हम लोग जी बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, ये आखिरी चढ़ाई रह गई है हमारी, और ये आप देखिए यहाँ बर्फ भी हमें देखने को मिल रही है और
जीप का एडवेंचर, जीप सफारी का भी मजा हमें आ रहा है। सामने से एक और जीप भी है, उसको देखिए अभी हमें रास्ता दे रही है वो। हाय 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 हाय। और ये अभी आप लोग जो व्यू देखेंगे ये मैदान शरीफ का व्यू होगा। ये देखिए अभी जी यहाँ से, ये बारिश की वजह से बर्फ थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन वो पीछे आप देखें बर्फ अभी है। यहाँ आपको ये टक शॉप वगैरह भी मिलेगी रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पर आप लोग देखें जी कि ये और भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, जिस तरह मतलब शोंगरान अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है सियाती मकाम है। लेकिन इस एरिया को भी अगर आप देखें तो ये भी जो है मतलब शोंगरान से बिल्कुल मिलता जुलता। और यहाँ ऊपर ये सामने डना है, इस जगह को डना कहते हैं। और ये वो देखें सामने बर्फ, अभी तकरीबन हफ्ते एक पहले यहाँ पर भी बर्फ वगैरह थी। और व्यू अगर आप लोग देखें, यहाँ पर अभी इस तरह उस तरह की एक्टिविटीज वगैरह नहीं है, होटल्स वगैरह नहीं बने हुए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक अननोन प्लेस है अभी तक, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा लोग अभी तक नहीं आते। अभी इस दफ़ा नारान का रास्ता बंद है, उस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये जगह देखें, काफ़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर भी अगर डिवेलपमेंट वगैरह हो, होटल्स वगैरह बने, कोई पॉइंट्स वगैरह बने, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और ये अभी सर्दियों में इसके ये नज़ारे हैं, लेकिन गर्मियों में और ज़्यादा खूबसूरत होती है ये। ये देखें यहाँ पर इस तरह के कच्चे घर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर गर्मियों में अक्सर लोग आते हैं। ये सामने देखें सारी ये आबादी है। और ये भी ग्लेशियर की आने की जगह है। और ये भी यहाँ से, ये दोनों जगहों से ग्लेशियर आते हैं। और एक ये तीन ग्लेशियर आते हैं इस मैदान में। और मैदान इसको इस वजह से कहते हैं कि ये आप देखें बिल्कुल सीधी जगह है, सारी जहाँ तक भी आपको नज़र आती है बिल्कुल सीधी ऐसी जगह, उस वजह से बिल्कुल मैदान की तरह, इस वजह से इसका नाम मैदान है। और यहाँ पर देखें अभी इन घरों में कुछ लोग अभी मौजूद हैं, आग शाग लगी हुई है, धुआं वगैरह निकल रहे, बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे हम थोड़ी बातचीत करते हैं, इस यहाँ के बारे में थोड़ा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के ना है थोड़ा? नाम मोहित। जरा कोतियां बोल। मोहित। मोहित अच्छा, इथे गाल सुने थे स्याले भी लोग रहने नहीं या ना? ना जी स्याले नहीं रहने। ते मतलब केड़े महीने थो जुलदे रहने? ये तो बस शरद जुलदे रहने। मतलब 9वें 11वें महीने बिच? नवंबर में 10वें में। ते फिर आने जेडे घर वाले मोड़ा आए दिन एक दु आए? घर वाले नहीं आए जे इधर। अच्छा आप जाने नेडे नेडे आए जे? अच्छा डेरे शहर आए जे? नहीं आए डेरे जे? नहीं। ते डेरे कदों तक आसन? 10 दिन तक जी। अच्छा अजा मौसम शौसम भी खराब है ना? इतने ये आंदियां बारिश लगी दिया कोरे, बर्फ भी आन पैना दा चांस है? ये आन बर्फ नहीं पेनी? आन पेनी आन बारिश ही होसी ना जी। ते टूरसा दे इस वारी के हिसाब किताब आ, टूरिस्ट शुरू खासे आए जी? इस बार खासे आए। अच्छा ते और तू इथे के गाइड दे तौर ते नाल आनी जी? अच्छा अच्छा मोहित ना है ना जी? तो ये जी बड़ा प्यारा बच्चा है हमारे साथ, इसने हमें रास्ता शास्ता दिखाया। तो जब भी आप लोग आए इससे जरूर मिलें और इसकी हेल्प शेल्प भी करें यहाँ पर। और ये जगह आप देखें माशाल्लाह। हाय 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 हाय। तो यहाँ इन घरों में गर्मियों में तो लोग शौक रहते हैं, लेकिन अभी आजकल इन्होंने इसको एज अ रेस्टोरेंट चलाया हुआ है। यहाँ पर चाय पकौड़ा वगैरह और ये कुछ चीज़ें यहाँ पर सेल करते हैं। घर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ पर घर होते हैं। ये आप देखें इस तरह के कच्चे घर यहाँ पर बने होते हैं और इनकी हाइट भी कम है इन घरों की, क्योंकि इस वजह से हाइट कम रखते हैं ताकि ये गर्म रहें और सर्दियों में ठंडे ना हों। तो ये अभी जी इस घर में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एज अ रेस्टोरेंट इन्होंने चलाया हुआ है इसको। अभी चाय वगैरह इनसे मंगवाई है, चाय वगैरह ला के हमें देंगे, चाय शाय हम यहाँ पर पियेंगे। तो फिर थोड़ी देर और यहाँ पर रुकते हैं, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वरना हम यहाँ पर ज़रा और घूमते
तो उसके बाद फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। भाई वो दूसरा तो अभी ये देखें, अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये इनका किचन है और इसकी हाइट आप देखें, यहाँ पर घरों की हाइट कितनी, मेरी अभी 5.5 फुट हाइट है मेरी, 5 फुट 7 इंच और ये तकरीबन बस 6 फुट हाइट होगी इस घर की। और ये यहाँ पर हाइट इसलिए भी कम रखते हैं क्योंकि बर्फानी इलाका है और यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। ये जो इनके मकान हैं, इनको यहाँ की मकामी जो जुबान है उसमें कोठे बोला जाता है और ये बिल्कुल बर्फ के नीचे दबे हुए होते हैं और बर्फ इंची ऊंची होती है। और अभी यहाँ पर जो है आबादी वगैरह यहाँ पर नहीं आई हुई, लोग वगैरह नहीं है, सिर्फ ये हमारे जो भाई हैं सिर्फ ये लोग आए हुए हैं, वो भी कारोबार के सिलसिले में यहाँ पर। इन्होंने देखें ये पकौड़े और चाय वगैरह और ये लोग ये चीज़ें यहाँ पर फरोख्त करते हैं और जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं तो उनके लिए ये वाली चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ये अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये भी यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, जगह वगैरह देखने के लिए। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा लगा, रास्ते के बारे में पूछेंगे, रास्ता कैसा लगा इनको, एडवेंचरस रोड था या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं सियालकोट से आया हूँ। तो रात को यहाँ कागान में स्टे किया? जी, कागान में स्टे किया। अच्छा, तो यहाँ किसने आपको बताया था कि जगह है घूमने फिरने? ये ऑलमोस्ट मैंने पहले भी एक दफा मैं अपनी फैमिली के साथ विजिट कर चुका हूँ, मेरे अंकल अच्छा। मुझे लेकर आए थे यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैंने कागान में स्टे नहीं किया था, मैंने नारायण के में स्टे किया था। अच्छा, तो वो रास्ता बंद होने की वजह से फिर मैं इधर आया। तो सुबह मॉर्निंग में जब हमने ब्रेकफास्ट के लिए होटल पे गए तो वो बहुत अच्छे लड़के थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास करीब एक जगह पे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और अच्छा व्यूज हैं, आप यहाँ पे चले जाएं। तो आते हुए रास्ता आपको मतलब कैसा लगा, जीप ट्रैक है जो? मुझे तो अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे पास इतने अच्छे प्लेस हैं और हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही और इन लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनाए हैं। और ये देखें, मैं इन लोगों को सलूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को, जिस तरह की इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी है। आप लोग भूल जाएंगे कि आप यहाँ पे विजिट करें, आप लोग भूल जाएंगे जिस तरह के ये लोग हैं। मैं जहाँ पे आया तो उन्होंने बोला भाई आप हमारे घर आइए, देखें इन लोगों ने हमें चाय भी दी है, इन्होंने हमें पकोड़े भी, अंडे भी हमें दिए हैं साथ में खाने के लिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि यार मैं नीचे था, उधर उधर माना थोड़ा उधर दिखाओ, मैं वहाँ पे था, ये बंदा मेरे पास गया और मुझे वहाँ पे बोला भाई आओ आओ हमारे, हमने चाय बनाई है, आप चाय पिए, आप चाय पी के फिर जाएं। तो यार इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमें और कहां से मिल सकती है? और बाकी जगह आपको यहाँ ये वाली कैसी लगी? शोंगरान भी आप गए होंगे? जी जी जी। तो मतलब उस जैसी जगह है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो ज्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो, रोड अच्छा हो, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के रश काफी ज्यादा हो सकते हैं? टूरिस्ट के रश ज्यादा काफी हो सकते हैं और दूसरा कि इन लोगों को सपोर्ट हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है। इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है और ये लोग अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने रोड बनाए और एडवेंचरस से क्या डेंजरस है ये रोड जो है, बहुत डेंजरस है और फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अल्लाह पाक इन लोगों को और ज्यादा दे, और इतनी हॉस्पिटैलिटी मैंने पाकिस्तान में, मैं और भी घूमे हैं इलाके, लेकिन बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रदर, एंड यू आर रियली एक्सप्लोर अस, यू गाइस वॉइस ऑफ अस, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर यू टू बी हियर विद अस, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच जी। ये है जी मैदान शरीफ ओरिजिनल वाला, देखें सारा यहाँ मैदान है, बिल्कुल प्लेन, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है मैदान नज़र आ रहा है। और यहाँ के व्यूज़ माशाल्लाह, कैमरा उस तरह इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है कि उस तरह रिकॉर्ड करे, जो नेकेड आई से जो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं उनकी क्या ही बात है भाई जान, जब आप खुद आएंगे तो फिर ही आप पता चल सकेगा आपको कि कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमारे इस एरिया को बनाया हुआ है। तो वो टिकटॉक वगैरह पे भी आपने वीडियो देखी होगी कि वो जहाँ पर ऐसे कदम रखती हैं जगह पर तो नीचे से जगह हिलती है, ये वो वाली जगह है। लेकिन अभी यहाँ पर ये देखें आप, बर्फ वगैरह पड़ी हुई है, ये वाली जगह है वो, यहाँ पर जब ऊपर ऐसे पाँव रखें तो बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे से ज़मीन हिलती है। यहाँ से भी आप देखें मतलब थोड़ी थोड़ी ये हिल रही है, लेकिन वहाँ सेंटर जो है, वहाँ सेंटर में से ये मतलब सही ज़्यादा इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अभी वहाँ पर ज़्यादा पानी वगैरह है, बर्फ़ है, तो वहाँ जा नहीं सकते हम, वरना आपको वो भी दिखाता।
तो यहाँ पर आप गर्मियों में जरूर आएं, बहुत प्यारा मैदान, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, आप देख सकते हैं मैं भी पूरा भीग चुका हूँ। हमारे साथ जो वो टूरिस्ट थे वो अभी वापस नहीं आए, रास्ते में हैं। तो जीप के पास अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी बैठते हैं अपनी जीप में, उनका इंतज़ार करते हैं। और उम्मीद है कि ये जगह आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन हसीन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और अभी इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करूँगा, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो इंशाल्लाह नारान की आएगी, नारान के रास्ते के बारे में मुकम्मल अपडेट। तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।